हेलो फ्रेंड्स, आप जो ये पेंटिंग देख रहे हो ये मैंने अपने घर पर ही पुराने सामान बेकार जो इस्तेमाल नहीं करते हैं उन सामानों से बनाई हैं। इसके लिए मैंने एक बोर्ड लिया, वॉल हैंगिंग जो टूटी हुई और थोड़ी पुरानी सी भी है, और बिल्ट ली हैं जो दरवाज़ों के सपोर्ट के लिए लगाते हैं। ये हर किसी के घर पर भी मिल जाती हैं, मेरे घर पर भी काफ़ी टाइम से रखी हुई थी तो मैं इन्हें इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इस बोर्ड पर फेविकोल लूँगी, चारों तरफ फैला दिया है और इस पर मैं अब इस कपड़े को चारों तरफ से फैलाकर लगा दूंगी। पर ध्यान रखना है कि हमें इस कपड़े की जो सलवटें हैं वो ध्यान से निकाल देनी है ताकि हमारा जो बोर्ड है वो बिल्कुल देखने में अच्छा लगे। अब मैं इस बोर्ड को सुखा लूँगी। ये देखिए मेरा बोर्ड सूख चुका है। अब मैं फेविकोल लूँगी आप और वाइट सीमेंट लूँगी। अगर आपके पास वाइट सीमेंट है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास कॉर्नस्टोन पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास वाइट सीमेंट था तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके लिए मैंने फेविकोल और पानी मिलाकर उसका एक घोल बना लिया। पर ध्यान रखना है कि जो घोल है वो हमें पतला नहीं बनाना है, थोड़ा टाइट बनाना है ताकि हमारी स्टिक बहुत आसानी से और जल्दी सूख जाए। अब जो स्टिक मैंने इस पर चिपका दी है, साइड से जो ये पाउडर निकल रहा था उसे मैं हटा दूंगी। आपके पास किसी तरीके की भी जो चीज़ है आप उसको भी इसी तरीके से चिपका सकते हो। अब मेरे पास दूसरी स्टिक थी, उसे भी मैं इसी तरीके से ध्यान से चिपकाऊंगी। मेरी दोनों स्टिक चिपका चुकी हैं। अब मैं अपनी वॉल हैंगिंग लूंगी, उसमें काफ़ी सारा पाउडर लगाकर और उसको का जो धरातल है उस पर लाल रंग लगा दिया है। रंग लगाने पर उसके बाद मैंने अब इस पेंटिंग पर जो उसके ऊपर की डिज़ाइन थी उस पर मैंने पीला रंग लगा दिया है। पीला रंग लगाने के बाद अब मैं लाल रंग लूँगी और उसकी थोड़ा थोड़ा रंग उस फ्लावर्स पर और इस सूरज की जो किरणें बनी हुई हैं उस पर लगा दूँगी ताकि इसका जो पेंटिंग है इसमें से जो शेड है वो दिखाई दे। और कुछ रंग में इसका लाल रंग जो है जो नीचे की धरातल है उसी के पास थोड़ा सा पीला रंग लगाऊँगी।
अब मैं थोड़ा सा पीला रंग लिया और मैंने इसके बेस पर लगा दिया। अब सफ़ेद रंग लूँगी और उस सफ़ेद रंग को भी मैंने इस कपड़े पर हल्का हल्का लगाना है। आपको रंग ज़्यादा नहीं लेना है, अगर ज़्यादा रंग लेंगे तो इसके कपड़े की जो डिज़ाइनिंग है वो उभर कर नहीं आएगी। कम रंग लेंगे और उसे हल्के हल्के हाथों से लगाएंगे तो वो डिज़ाइनिंग उभर कर आ जाएगी। अब मैंने नीला रंग लिया, नीले रंग को भी मैंने कहीं कहीं पर सूरज की किरणों पर दिखाया और हल्का सा नीला रंग मैंने फूल पर भी दिखाया। रंग करने के बाद मैं एक कपड़ा लूंगी और मिट्टी का तेल लूंगी। कपड़े को मिट्टी के तेल में डिप करके अब इस नीले रंग के ऊपर उसे हल्के हल्के कपड़े से पूछ दूंगी, जिससे जो नीचे का रंग है, नीचे का मटेरियल है, वो कहीं कहीं से उभरा हुआ दिखाई दे और वो पेंटिंग देखने में भी सुंदर लगे। अब मैं थोड़ा सा लाल रंग लूंगी और सूरज के चेहरे पर हल्के से शेड के रूप में लगाऊंगी, जिससे सूरज का जो चेहरा है वो उभर कर आ सके। तरीके से मैं फूलों पर भी हल्का हल्का कहीं कहीं लाल रंग लगा दूंगी, जिससे जो ये शेप है सूरज की, उसका जो शेड का इफेक्ट फूलों पर भी दिखाई दे। इसी तरीके से दूसरी साइड की जो शेप है चांद की, उस पर मैं हल्का सफेद रंग लगाऊंगी। सफ़ेद रंग लगाने के बाद अब मैं कहीं कहीं पीला रंग लगाऊंगी, जिससे चांद की जो चेहरे की शेप है वो उभर कर आ सके। इसी तरीके से मैं फूलों पर भी कहीं कहीं सफ़ेद रंग लगा दूंगी। उसके बाद मैं पीला रंग लूंगी और उसकी धरातल जो बना रखा था कपड़े का, उस पर भी मैं कहीं कहीं पीला रंग हल्के हल्के हाथों से लगा दूंगी। आप भी अपने घर पर इसी तरीके से कोई सी भी शेप में या कोई सी भी डिज़ाइन में जो कपड़ा रखा हो, जो आपके इस्तेमाल करना हो, इसी तरीके से पेंटिंग करके बेस पर लगा कर उसकी आकृति को भर सकते हैं। अब आप देखिए, एक साइड से सफ़ेद रंग और एक साइड से पीले रंग का जो शेड निकल कर आ रहा है, वो पेंटिंग को किस तरीके से उभार रहा है। अब मैं इनके होंट बनाऊंगी लाल रंग से। और इनकी आंखें बना दूंगी।
अब आप देखिए मेरी ये पेंटिंग, जो सामान हमारे लिए यूजलेस था, बेकार था, उससे कितनी सुंदर और प्यारी पेंटिंग बन चुकी है, जो देखने में बड़ी सुंदर और अच्छी लग रही है। इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो भी हमें बनाना और मेहनत करनी नहीं पड़ी, और कितनी सुंदर और भरकर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल